महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर की सेंचुरी के चक्कर में पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल की पेंट गीली हो गई थी। ये सच्ची घटना है। जब 1982 में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में टेस्ट मैच खेल रहा था, सुनील गावस्कर 90 रन बनाकर सेंचुरी के करीब थे। सुनील गावस्कर बेहतरीन बैटिंग करते हुए 90 रन के स्कोर तक पहुंच गए थे और सेंचुरी के करीब थे। तभी ड्रेसिंग रूम संदीप पाटिल बाकी प्लेयर्स के साथ बैठे थे। पाटिल अपनी कुर्सी से उठे और बाथरूम जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी टीम मैनेजर फतेह सिंह राव गायकवाड़ ने पाटिल को गावस्कर की सेंचुरी पूरी होने तक वहीं रुकने को कहा। वैसे भी किसी प्लेयर की सेंचुरी के वक्त कोई भी प्लेयर ड्रेसिंग रूम छोड़कर नहीं जाता है, लेकिन यहां पाटिल के साथ गड़बड़ हो गई। पाटिल मैनेजर का सम्मान रखते हुए अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए और कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन गावस्कर को 92 से 100 रन तक जाने में पूरा एक घंटा लग गया। इतना ही नहीं, गावस्कर ने 97 से 100 के बीच 3 रन बनाने में 25 मिनट लगा दिया। जब तक गावस्कर की सेंचुरी पूरी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पाटिल की पैंट गीली हो चुकी थी। हालांकि पाटिल ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि वे गावस्कर की सेंचुरी को देखने के लिए इतने बेताब रहते थे कि कई बार घंटों तक टॉयलेट रोककर बैठे रहते थे।